मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके फेवरेट एक्टर्स और बॉलीवुड सेलेब्स बड़े पर्दों के अलावा अपने निजी जिंदगी में क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, कई सेलेब्स को कभी एयरपोर्ट पे देखा जाता है तो कई लोग रेस्टोरेंट के बाहर लंच करते या डिनर करते हुए पाए जाते हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके फेवरेट सेलेब्स बड़े पर्दों के अलावा और कहाँ कहाँ दिखते हैं और अपनी निजी जिंदगी में वो अपना समय कैसे बताते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आए दिन अक्षय कुमार अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए तो लगे हुए हैं, साथ ही वो कहां कहां नजर आ रहे हैं। वहीं और भी एक्टर्स की बात होगी इस वीडियो में जो मुंबई से बाहर जा रहे हैं अपनी काम की वजह से या फिर उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, तो किसी को रेस्टोरेंट के बाहर डिनर करते हुए भी पाया गया है। तो चलिए इस वीडियो में आपके फेवरेट सेलेब की एक्टिविटीज के बारे में हम आपको बताते हैं। आलिया भट्ट यूं तो इन दिनों अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से काफ़ी चर्चे में भी है और उन्हें काफ़ी बिजी भी देखा जा रहा है। उनकी लगातार एक के बाद एक फिल्में लोगों के सामने आ रही हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी बिजी चल रही है, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में भी उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड रणवीर कपूर के लिए वक्त निकाल ही लिया। जी हाँ, कल रात को आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को मुंबई के एक रेस्टोरेंट में साथ में स्पॉट किया गया। यहां पर दोनों कपल हाथ में हाथ डाले काफी खूबसूरत नजर आ रहे थे और दोनों डिनर डेट के लिए मुंबई के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद आलिया और रणवीर को साथ में स्पॉट किया गया। हालांकि इन्होंने मीडिया से कुछ भी बातचीत नहीं कहा, लेकिन मीडिया लगातार उन्हें गंगूबाई के नाम से बुला रही थी, जिस पर आलिया को हंसी भी आ रही थी। और लोग ये भी कह रहे थे कि रणवीर के साथ होने के कारण आलिया ब्लश कर रही है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। वहीं खुशी कपूर पलाई हिल्स के एक जिम के बाहर स्पॉट की गई। आपको बता दें कि खुशी कपूर आजकल काफ़ी चर्चे में हैं। जी हाँ, उनकी डेब्यू की भी खबरें काफ़ी आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि खुशी कपूर जल्द ही जोया अख्तर के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली है और इनके साथ सुहाना खान भी नज़र आएंगी और इस वजह से मीडिया अब खुशी कपूर के हर हरकत पर नज़र रखती है, इसलिए उन्हें कल रात जिम के बाहर स्पॉट किया गया। यहां पर खुशी कपूर काफी कैजुअल लुक में दिखाई दी। उन्होंने वैसे तो मीडिया से कुछ खास बातचीत नहीं की, लेकिन मीडिया के सामने पोज दिया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। वहीं कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही माँ बनने वाली है, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा है। भारती सिंह हाल ही में एक रियलिटी शो को होस्ट कर रही है और उनके सेट पर वो फिर से एक बार दिखाई दी। यहाँ पर भारती सिंह मीडिया के सामने पोज देती हुई नजर आई, साथ ही भारती सिंह को यहाँ पर काफ़ी कैजुअल लुक में देखा गया। भारती अपने अगल बगल लोगों के साथ मजाक भी करती हुई नजर आई। भारती अपने खुश मिजाज के लिए जानी जाती है और यहाँ पर भारती डांस करते हुए भी नजर आई। भारती काफ़ी अच्छे मूड में लग रही थी और अब ये खबर आ रही है कि भारती जल्द ही अप्रैल पहले हफ्ते में अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली है। उनके साथ साथ उनके लाखों फैंस को भी इस खुशखबरी का इंतजार है। वहीं कल रात करीना कपूर, सुजय घोष, विजय वर्मा और जयदीप को भी ताज होटल में एक साथ स्पॉट किया गया। यहां पर उन्होंने किस वजह से वो आए थे ये तो खबरें साफ नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने मीडिया के सामने पोज दिया और साथ में फोटो भी खिंचवाई। वहीं यहां पर करीना ऑल डेनिम लुक में नज़र आई, साथ ही करीना हमेशा अपने बेबाक लुक्स के लिए और अंदाज के लिए जानी जाती है और यहां भी करीना काफ़ी कूल एटीट्यूड में नज़र आई और मीडिया के सामने पोज भी दिया। वहीं अक्षय कुमार आए दिन अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए मुंबई में स्पॉट किए जाते हैं। हाल ही में
अक्षय कुमार एक प्रेस मीटिंग में गए थे जहां वो काफी इंजॉय करते हुए नजर आए। अक्षय कुमार ने इस प्रेस मीट में मीडिया से इंटरेक्ट किया, साथ ही अपने फिल्म का ट्रेलर भी मीडिया के सामने दिखाया। इस प्रेस मीट में अक्षय कुमार के साथ कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी भी मौजूद थे। यहाँ पर अक्षय कुमार ने एंकर की भी काफी खिंचाई की और यहाँ अक्षय पूरे मस्ती के मूड में दिखाई दिए। साथ ही अक्षय ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया और अक्षय ने अपनी फीलिंग्स भी शेयर की। अक्षय ने बोला कि कोविड के बाद ये उनकी पहली प्रेस मीट है और साथ ही इतने सारे लोगों को एक साथ आमने सामने देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। आए दिन वचन पांडे को प्रमोट करने के लिए अक्षय कुमार स्पॉट किए जाते हैं और इस बार वो प्रेस मीटिंग में प्रेस के साथ इंटरेक्ट करते हुए नजर आए और यहाँ पर वो अपनी फिल्म का जोरों शोरों से प्रमोशन करते हुए नजर आए। वहीं एक्टर रणवीर सिंह को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। यहां पर एक्टर रणवीर सिंह मुंबई से बाहर जा रहे थे जिस वजह से वो एयरपोर्ट पे आए थे। रणवीर सिंह हमेशा की तरह अपने अतरंगी और अलग हटकर स्टाइल के लुक में दिखाई दिए। यहाँ पे रणवीर सिंह ने मीडिया के सामने पोज दिया, साथ ही अपने फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। उसके बाद रणवीर सिंह एयरपोर्ट के अंदर चले गए। वहीं अगर बात करें मीरा राजपूत की तो शाहिद कपूर की बीवी मीरा राजपूत हाल ही में मुंबई के एक सैलों के बाहर स्पॉट की गई। यहां उनके साथ उनके दो प्यारे बच्चे भी थे जिन्हें मीरा कपूर के साथ स्पॉट किया गया। मीरा कपूर ने मीडिया के सामने पोज दिया और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में अपने बच्चों के साथ रवाना हो गई। वहीं हाल ही में साउथ की सुपरस्टार समांथा प्रभु को भी मुंबई में स्पॉट किया गया। समांथा यूं तो मुंबई में रहती नहीं है लेकिन अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से उनका मुंबई में आना जाना लगा रहता है और इसी वजह से वो हाल ही में एयरपोर्ट पे स्पॉट की गई। यहां पर समांथा काफ़ी खुश भी नज़र आ रही थी। मीडिया के साथ उन्होंने इंटरेक्शन भी किया और साथ ही मीडिया के सामने पोज देते हुए फ़ोटो भी खिंचवाई। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज बड़े पर्दे के अलावा और कहां कहां नजर आ रहे हैं और उनकी हर एक हरकत पर हमारी नजर होगी और हम उनकी सारी खबरों को आप तक जरूर पहुंचाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या कुछ नया चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।